आज आप सभी के सामने है क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की एक पोएम स्प्रिंग बाय विलियम सिक्स के क्वेश्चन आंसर्स तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर और साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन है विच सीजन डोइट एसोसिएट विद द न्यू ईयर यहाँ पर किस सीजन की बात की गई थी इस पोयम में द पोइट एसोसिएट स्प्रिंग सीजन विद द न्यू ईयर सेकेंड क्वेश्चन है विच बर्ड्स एंड एन एनिमल्स आर मैं इन दिस पोयम इस पोएम में किन एनिमल्स और बर्ड्स की बात की गई नाइटिंग लार्क कोक ये सब मेंशन की गई इस पोयम में थिंक इन आंसर में पूछा गया है व्हाई डू यू थिंक द फ्लूट हैज़ बीन म्यूट थिंक अबाउट द टाइटल ऑफ द पोयम तो आंसर इसमें फ्यूट फ्लूट हैज़ बीन म्यूट बिकॉज इट इंडिकेट ए स्प्रिंग कम्स लाइफ स्टार्ट टू बस्टर इन टू एक्शन मार्किंग एट एंड टू विंटर साइलेंस Second question: Which sound, sight, smell, and feeling do you associate with spring? Answer: Is mein. the smell of grass, especially cut grass, added to the smell of spring. This, uh, there are many sounds that signal that arriving of spring, like the croaking of frog in a nearby pond and chirping noise of sparrows, cricket outside the house. देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किन साउंड मतलब सा, आवाज़ों से चीज़ों को देख कर या स्मेल से आपको ये फील होता है कि स्प्रिंग के आने की शुरुआत हो चुकी है तो आंसर है इसमें मैंने जो पढ़ा था उसका मतलब है ग्रास की स्मेल से स्पेशली जब घास को काटा जाता है उसमें से जो स्मेल आती है उससे पता चलता है दूसरी कुछ साउंड्स भी हैं स्प्रिंग की स्प्रिंग के आने के समय में कुछ साउंड्स जैसे फ्रॉग की आवाज़ आती है या फिर स्पेरोस या किकिट इंसेक्ट की आवाजें आती हैं बाहर घर के बाहर से घास के मैदानों से इस तरीके से और यार हाँ यहाँ पे आ गई है अब एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट ऑप्शन वर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस साउंड इज नॉट इन दिस पोएम इस पोएम में किसकी साउंड मेंशन नहीं की गई है तो आंसर है अलैम्स ब्लीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट और होम डिड वाट और होम डज द पोइट रिफर्स टू एस अ स्वीट एंड स्मॉल तो आंसर इसमें गर्ल थर्ड क्वेश्चन वाट डज द पोइट वांट टू डू पॉइंट क्या करना चाहता है किस द लैम्प्स फेस क्वेश्चन फोर्थ हाउ डज द पोइट फील फील कैसा कर रहा है पोइट तो ये है जुबली uh, जुबिलियंट जुबिलियंट का मतलब होता है बड़े ही उत्साहित महसूस कर रहा है ठीक है इसके बाद है कुछ राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हमें फिल करने थे फ्लूट क्यूट म्यूट delight, लाइट नाइट मतलब एक जैसे वर्ड जिनको बोलते वक्त साउंड एक जैसी रिपीट होती है तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं और हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर से खत्म होती हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना थैंक यू हैव अ नाइस डे